चलाक और वाइस होने में डिफरेंस पता है? यानी क्लेवर और विजडम में डिफरेंस पता है? क्लेवर बंदा वो होता है जो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी चतुराई तक पहुंच सकता है, पर जो एक वाइस पर्सन होता है उसकी खूबियाँ अलग होती है। उसमें इंटेलिजेंस होती है, उसमें समझ होती है और सही गलत की पहचान होती है। आज हम बात करेंगे वाइस लोगों की 5 ऐसी क्वालिटीज़ जो उनको वाइस बनाती है। अगर आप में क्वालिटीज़ हैं देन समझ जाइए दैट यू आर अ वाइस पर्सन, और अगर नहीं भी है तो क्या हो गया, डेवलप कर लीजिए उन क्वालिटीज़ को एंड देन यू कैन बिकम ऑल्सो वाइस पर्सन। सो क्वालिटी नंबर 1, वाइस पीपल थिंक ऑफ अ बिगर पिक्चर। हम लोग अक्सर छोटी छोटी पिक्चर्स में देखने लग जाते हैं कि यार अगर मैंने ये स्टेप करा वो फुलफिल होगा या नहीं होगा, और इसी में अटके रह जाते हैं। बट जो बड़ा सोचते हैं ना, जो बड़ा करना चाहते हैं वही बड़ा सोचते हैं, और बड़ा सोचते हैं इसलिए वो बड़ा हासिल कर पाते हैं। कहने का मतलब ये है, जो वाइस लोग होते हैं उनको पता है अगर मैं छोटे कंजर्वेटिव सोच रखूँगा तो मेरे लिए कुछ भी अचीव करना मुश्किल है, इसलिए वो बहुत बड़ी सोच रखते हैं और अपने गोल्स को बहुत अच्छे से सेट करते हैं और आगे अपनी लाइफ खुद की बिगर पिक्चर करने लगते हैं, सुझाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं ना, बट वाइस पीपल डोंट अंडर एस्टिमेट देमसेल्फ। सेकेंड क्वालिटी, दे डोंट गेट ऑफेंडेड। हम सब लोगों की एक क्वालिटी जो सब में भर भर के है ना, वो ये है कि हम सभी लोग ना छोटी सी छोटी बातों को लेके ऑफेंड हो जाते हैं और फिर ये सोचते रहते हैं, अरे इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, अरे इस बात का मैं ऐसे रिप्लाई कर सकती थी, पर उस बात का तो वो रिप्लाई होना था ना। इतनी कन्फ्यूजन नहीं होती। एक जो वाइस इंसान होता है ना, वो अपने रिप्लाईज़ एक तो याद करके रखते हैं, याद नहीं मतलब समझ के रखते हैं कि उनको कहाँ पे किस तरीके से रिप्लाई करना है। सेकेंडली, वो छोटी मोटी बातों से ऑफेंड नहीं होते, बिकॉज उनको पता है कि उनका ऑफेंड होना, एक रिएक्शन किसी के लिए क्या मायने कर सकता है, और वो अपने हर एक रिएक्शन को भी प्रिजर्व करके रखते हैं। थर्ड, वाइस पीपल आर सस्पिशियस फॉर देयर टाइम। सस्पिशियस कहूँ या फिर अपने टाइम के लिए चिंताजनक, ऐसे लोगों को अपना टाइम बहुत वैल्यूएबल होता है और अपना टाइम ऐसे ही किसी पर इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते। ये चाहते हैं कि इनका जो टाइम है वो इन्हीं के पास रहे, और ऐसे छोटी मोटी चीज़ों में या फिर जहाँ पे वैल्यू नहीं है टाइम की, वहाँ पे ये चीज़ लोग नहीं जाते हैं और अपने टाइम को प्रिजर्व करके और टाइम की वैल्यू बहुत ज़्यादा समझते हैं। फोर्थ नंबर, दे आर स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल इसलिए बिकॉज जब तक हम अपने इनर सेल्फ को नहीं जानते ना, तब तक हम कुछ भी नहीं जान सकते। स्पिरिचुअलिटी डजेंट मीन कि आप सिर्फ पूरे दिन पूजा पाठ कर रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं होती है। स्पिरिचुअलिटी होती है जब आप मन से निष्काम कर्म करते हैं, जब आपके मन में भगवान होते हैं, जब आप सेल्फ अवेयर होते हैं आप तब भी स्पिरिचुअल होते हैं। तो ऐसे जो वाइस लोग होते हैं दे आर स्पिरिचुअल, दे आर सेल्फ अवेयर, एंड दैट मेक्स देम वाइस। नंबर 5, वाइस पीपल लिव इन प्रेजेंट। प्रेजेंट में तो हम सभी जीते हैं, बट फिर वो बुद्धिमान इंसान प्रेजेंट में अलग से कैसे जी रहा है? मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग प्रेजेंट में होते तो हैं बट प्रेजेंट में होते ही नहीं है। मतलब प्रेजेंट में होते हुए भी हम फ्यूचर के बारे में सोचते रहेंगे या फिर पास्ट के बारे में सोचते रहेंगे कि फ्यूचर में तो ये हो गया, ये करेंगे, ये होगा, और पास्ट में ऐसा क्यों हो गया, ये क्या हो गया मेरे साथ, ये बुरा हुआ, ये अच्छा हुआ, और हम फ्यूचर और पास्ट में अटके रह जाते हैं और जो अभी ये प्रेजेंट चल रहा है उसको भूल जाते हैं। बट जो वाइस इंसान है वो प्रेजेंट में जीता है, अपनी लाइफ के हर एक लम्हे को फुल्ली एक्सेस करता है। हम पता है, अगर अपने एक माइंडसेट ऐसे बना ले कि हर एक दिन हमारा आखिरी दिन हो, तो हम अपने हर एक दिन को कितना फुलफिल बना के चलेंगे ना। अगर ऐसा कह दिया जाए कि शायद तुम्हारे पास कल जीने के लिए दिन ही ना हो, मतलब कि कल तुम्हारे पास वक्त ना हो, कुछ ना हो, तो कैसा हो अगर हम यही सोच के चले कि शायद आज ही हमारा आखिरी दिन है, और ऐसे हम अपने हर एक टास्क को कंप्लीट कर पाएंगे जो भी हमें चाहिए। और पता है, ये एक आपको फुलफिल लाइफ जीने की कोशिश करना पड़ेगा। चलिए, आप में से सब लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो खाना खाते हुए एक्टिव रहते हैं। खाना खाते हुए भी आजकल हम क्या करते हैं ना, टीवी देख लेते हैं, फ़ोन चला लेते हैं, और हमें पता ही नहीं होता हम खाना खा भी रहे हैं। एक प्रेजेंट में रहने की सबसे इजी एंड बेस्ट एक्सरसाइज है खाना खा रहे हैं, शांति से खाइए एंड फील कीजिए आप खाना खा रहे हैं, कोई और थॉट नहीं, और जस्ट ये ही रियलाइज़ कीजिए कि आप अभी खाना खा रहे हैं। ये बात बहुत छोटी सी है, बट क्या छोटी सी बात आप में से कितने लोग फॉलो करते हैं? अगर आप फॉलो करते हैं देन आई एम रियली हैप्पी। ज़रूर कमेंट में करके मुझे लिख के बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ और नई स्टोरीज़ के साथ और नए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए फॉलो कीजिए त्वेषा जैन द यंगेस्ट फैकल्टीज़ को।